तो ये क्या समस्याएं हैं आपकी डाइट की इस समय, शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं वो कितने पद रिक्त हैं और कैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है? हमारे यहाँ 17 पद सृजित हैं प्रवक्ताओं के, जिनमें 3 भरे हुए पद हैं, 3 प्रवक्ता हैं और 14 पद प्रवक्ताओं के रिक्त हैं, 2 पद LT ग्रेड के रिक्त हैं। यहाँ तक कि प्राचार्य का भी पद रिक्त है, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के पास एक्स्ट्रा चार्ज है प्राचार्य का। BSA रैंक के 6 पद हैं, वो भी रिक्त हैं, एक उपप्राचार्य का पद वो भी रिक्त है और 12 बाबुओं के पद होना चाहिए जिनमें 8 हैं। शिक्षण कार्य के लिए हमारे यहाँ शासनादेश के अनुसार 2 अतिरिक्त प्रवक्ता इस समय कार्यरत हैं और 3 बेसिक के अटैचमेंट है और 3 हैं, कुल मिला के हमारे 8 टीचर हैं और 400 बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं। DLED 2017 के 200 बच्चे और 200 DLED 2018 के। 15 वाला बैच अभी पास आउट हो गया है, मतलब परीक्षा हो चुकी है 1 नवंबर से 3 नवंबर के मध्य। तो 400 बच्चों की टीचिंग भी चल रही है, अन्य प्रशासनिक कार्य भी बहुत डाइट में होते हैं। तो क्या लगता है इस स्तर से बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्थान होता है जिले का डाइट, और ऐसे में क्या तकलीफें हो रही हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रवक्ताओं के ना होने से कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रवक्ताओं को, वैसे 4 पीरियड पढ़ाना चाहिए, मतलब अगर सारे प्रवक्ता हों तो हम लोग 8-8 पीरियड पढ़ाते हैं, सभी प्रवक्ता बहुत बिजी रहते हैं। ये बताइए ऐसे में उधार के शिक्षकों के जरिए जो है डाइट का संस्थान चलाया जा रहा है, क्या लगता है कि भविष्य में भी यही हालात बने रहेंगे या फिर कुछ सुधार देखने को मिलेगा? नहीं, सुधार हो रहा है सर, वैकेंसी निकल चुकी है, लोक सेवा आयोग लगातार प्रवक्ता आ रहे हैं और उधार के हमारे यहाँ केवल 3 ही हैं, बाकी 3 फुलफेस प्रवक्ता हैं और जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो भी शासनादेश के अनुरूप हैं, उनकी भी नियुक्ति यही हुई है। एक तरफ प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही है व करोड़ों रुपए खर्च रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई जिले का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि विगत लंबे समय से यहां पर प्रवक्ता नहीं है, साथ ही प्राचार्य का पद भी खाली पड़ा है जिसका चार्ज यहाँ के DIS के पास है। वहीं जब इस संबंध में यहाँ के प्रवक्ताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 17 पद प्रवक्ताओं के हैं जिनमें से 15 या 14 खाली पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, वरिष्ठ प्रवक्ताओं के भी 6 पद हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है इसका अंदाजा लगाया जाना थोड़ा मुश्किल है। हरदोई से ETV के लिए आकाश शुक्ला।